क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज के बाद अब टी20 सीरीज की बारी है। आईपीएल नीलामी की खुमारी से खिलाड़ी बाहर आ चुके हैं और अब टी20 सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन पहले टी20 को लेकर चौंकाने वाली हैरानी भरी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि आईपीएल नीलामी के दिग्गज नीलामी में करोड़ों करोड़ बटोरने वाले या कहें कि सबसे महंगे बिकने वाली खिलाड़ी ही टीम से बाहर हो गए और वो भी एक नहीं बल्कि लाइन से महंगे खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट में शामिल कई खिलाड़ियों को रोहित शर्मा ने अपनी टी20 टीम में जगह नहीं दी है। हालांकि मुंबई इंडियंस के एक खिलाड़ी को रोहित ने बड़ा चांस जरूर दे दिया। तो रोहित ने क्या लिए बड़े फैसले, क्या लिए कड़े फैसले, आपको बताते हैं कैसी होने वाली है पहले टी20 की टीम। आप इस टीम को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया कोलकाता पहुंच चुकी है। 16 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा और पहले मैच की तैयारियां पूरी हैं। प्रैक्टिस जोरों पर है और प्रैक्टिस के नेट से ही पहले मैच की पहली तस्वीर भी सामने आई है और टीम की जो तस्वीर दिखी है वो हैरानी भरी है, क्योंकि आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे महंगे खिलाड़ी यहां टीम से बाहर हैं, क्योंकि मेन नेट्स पर सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को जगह मिली है जो पहला मैच खेलने जा रहे हैं। तो सीधे आपको टीम न्यूज बताते हैं। हिटमैन रोहित शर्मा टीम के साथ हैं, फिट और टीम की कप्तानी के साथ ओपनिंग भी करेंगे और रोहित का साथ देंगे मुंबई इंडियंस के उनके साथ ही ईशान किशन। जी हां, किशन जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ की कीमत पर खरीदा है, रोहित शर्मा उन्हें यहां पहले ही मैच में परखने जा रहे हैं, आजमाने जा रहे हैं और उसी रोल में उन्हें परखेंगे जो कि रोल उनका मुंबई में होने वाला है। यानी कि ईशान किशन ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ यहां भी, आईपीएल में भी, और इसीलिए रोहित ने ईशान किशन को यहां पर बड़ा मौका दिया और इसकी वजह है केएल राहुल का चोटिल होना। राहुल चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। हालांकि राहुल की जगह पर ऋतुराज को स्क्वाड में जगह मिली है लेकिन वो मैच नहीं खेलेंगे, मैच खेलेंगे ईशान किशन। तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलने आएंगे, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। और चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को खिलाया जाएगा, ये भी लगभग तय है। और पांचवे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, ये भी तय है। मिडिल ऑर्डर में इन दोनों ही बल्लेबाजों को जगह मिल रही है, दोनों का ही खेलना पक्का है, दोनों ही मेन नेट्स पर बैटिंग करते हुए दिखे। इसके बाद छठे नंबर पर विकेट कीपर ऋषभ पंत खेलने आएंगे। हालांकि ऋषभ का ऑर्डर मैच की परिस्थिति के आधार पर ऊपर या नीचे हो सकता है लेकिन पहले छह नंबर पर यही बल्लेबाज खेलेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। अब गेंदबाजों की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स को भी खासी जगह मिली है लेकिन लंबे समय बाद टीम में कुछ ऐसा एक्सपेक्टर होने जा रहा है जो कि लंबे समय से मांग भी हो रही थी, डिमांड भी हो रही थी। हालांकि आईपीएल के महंगे खिलाड़ी रहे, महंगे महंगे हीरोज रहे, उन्हें जगह नहीं मिली है। जी हाँ, दीपक चाहर जिन्हें 14 करोड़ मिले, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान 10 करोड़ से ज्यादा इन्हें मिले, वो भी काफी महंगे साबित हुए और यहाँ तक कि वेंकटेश अय्यर को भी टीम में जगह नहीं मिल रही है बल्कि अलग ही खिलाड़ियों को यहाँ पर जगह दी जा रही है। पहले स्पिनर्स की बात करते हैं तो एक्स फैक्टर टीम में वापस आता हुआ दिख रहा है। स्पिनर्स में युजवेंद्र चहल की टीम में जगह बनी हुई है और चहल का साथ देंगे कुलदीप यादव। जी हाँ, कुलचा की जोड़ी लंबे समय बाद मैदान में उतरने वाली है और रोहित ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए बड़ी वजह भी आपको बताते हैं। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर चोट की वजह से टीम से बाहर है। रविंद्र जडेजा पहले ही टीम में नहीं है, इसीलिए कुलचा को खेलने के लिए यहाँ पर परफेक्ट मौका मिल रहा है। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव दोनों ही लंबे समय बाद एक मैच में खेलते हुए दिखेंगे। अब तेज गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ पर ऑलराउंडर हर्षाल पटेल को एक और मौका दिया जा रहा है। कोलकाता की पिच पर अपनी धीमी गेंदों से हर्षाल कमाल कर सकते हैं, जबकि ऑलराउंडर के तौर पर दूसरे खिलाड़ी हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवी के लिए सीरीज या कहें कि ये मैच बेहद अहम है और भुवी यहाँ कुछ खास नहीं कर पाए तो उनका टीम इंडिया से हमेशा हमेशा के लिए पत्ता साफ हो जाएगा और इसीलिए पहले मैच में रोहित शर्मा भुवनेश्वर को टीम में जगह दे रहे हैं, उन्हें आखिरी तौर पर परख रहे हैं। तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को टीम में जगह दी जाएगी जो कि काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और सिराज का भी खेलना पक्का है। तो कुल मिलाकर टीम में 5 ही गेंदबाज हैं और 6 बल्लेबाजों में ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि गेंदबाजी कर नहीं सकते और इसीलिए अगर टीम में एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाने की बात आती है तो सिर्फ एक बदलाव यहाँ पर होगा और वो होगा श्रेयस अय्यर या फिर सूर्य कुमार यादव में से किसी एक की जगह पर दीपक हुडा को टीम में लिया जाएगा जो कि 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं और इसीलिए आखिरी वक्त में ये फैसला हो सकता है लेकिन बाकी टीम, बाकी खिलाड़ी यही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो आप इस टीम से कितना सहमत हैं, ये टीम कितनी परफेक्ट है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें।
तो अंडर 19 जीतने वाले सारे खिलाड़ी आईपीएल नीलामी में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि बीसीसीआई के कुछ नियम ऐसे थे जिससे कई खिलाड़ी अपने नाम लिस्ट में शामिल नहीं करा पाए। नियमों के मुताबिक नीलामी के दिन तक या तो किसी खिलाड़ी की उम्र 19 साल से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर अगर कोई खिलाड़ी 19 साल से कम का है तो उसने कम से कम एक लिस्ट मैच यानी कि 50 ओवर का गेम या फिर एक फर्स्ट क्लास गेम यानी कि रणजी ट्रॉफी जैसा कोई गेम खेला हो। लिहाजा कई खिलाड़ी नीलामी में शामिल नहीं हो पाए, मगर जो खिलाड़ी शामिल हुए उन्होंने धमाल मचा दिया। अंडर 19 के स्टार्स में सबसे ज्यादा रकम पाने वाले खिलाड़ी रहे साउथ अफ्रीका के बेबी डिविलियर्स। जी हां, अंडर 19 वर्ल्ड कप से ही जिनकी चर्चा हो रही थी, जिन्हें अगला एवी डिविलियर्स कहा जा रहा है, उन्हीं डेवाल्ड ब्रेविस पर खूब धन वर्षा हुई। डेवाल्ड का बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपए था और कई टीमों ने बेबी एवी पर बोली लगाई और अंत में 3 करोड़ की भारी भरकम रकम पर मुंबई इंडियंस ने ब्रेविस को अपने साथ जोड़ा और जूनियर एवी अब मुंबई की टीम में रोहित के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। अंडर 19 के दूसरे महंगे खिलाड़ी रहे ऑलराउंडर राज अंगद बाबा। राज बाबा बेहद आसानी से लंबे छक्के लगा लेते हैं और वर्ल्ड कप फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच बने थे। अब 20 लाख की बेस प्राइस के साथ राज बाबा पर बोलियां शुरू हुई और पहले हैदराबाद और मुंबई ने बोली लगाई, लेकिन बाद में पंजाब 20 में कूदी और 2 करोड़ की बड़ी रकम पर पंजाब किंग्स ने राज बाबा को अपने साथ जोड़ लिया। लिस्ट में तीसरा नाम है तेज गेंदबाज राजवर्धन हैंगरगेकर। सिर्फ 30 लाख की बेस प्राइस वाले राजवर्धन पर भी टीमों ने खूब बोली लगाई और अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजवर्धन हैंगरगेकर को अपने साथ जोड़ा और 1.5 करोड़ की बड़ी रकम पर अब राजवर्धन धोनी की गाइडेंस में खेलते हुए तेज गेंदबाजी करेंगे। अगला नाम है अंडर 19 टीम के कप्तान यश धुल का, जिनका बेस प्राइस भी 20 लाख रुपए ही था। हालांकि यश धुल करोड़पति तो नहीं बन पाए, मगर पंजाब और दिल्ली के बीच उन्हें लेकर खासी जंग हुई और अंत में 0.5 करोड़ यानी कि 50 लाख की कीमत पर दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। यश धुल दिल्ली कैपिटल्स अकेडमी के साथ भी जुड़े रहे। अंडर 19 टीम के ऑलराउंडर अनीश्वर गौतम को आरसीबी ने बेस प्राइस यानी कि 20 लाख की कीमत पर अपने साथ जोड़ा। अनीश्वर बेंगलुरु के ही रहने वाले हैं। और वहीं अगला नाम है विक्की ओसवाल। विक्की को भी 20 लाख की बेस प्राइस पर दिल्ली कैपिटल्स ने अपने साथ जोड़ा और विक्की अंडर 19 वर्ल्ड कप के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक रहे हैं। अंडर 19 टीम के कुछ और खिलाड़ी नीलामी में शामिल थे। ओपनर हरनूर सिंह, वासु वत्स और कौशल तांबे को यहां कोई खरीदार नहीं मिला। तीनों ही खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। अब इनके अलावा कुछ और ऐसे नाम थे जो नियमों में फंसकर आईपीएल नीलामी में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनके नाम काफी बड़े थे और उनमें शामिल थे वर्ल्ड कप में भारत के उपकप्तान शेख रशीद, 2 मैचों में कप्तानी करने वाले निशांत संधू, ओपनिंग बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी और अगला धोनी कहे जाने वाले विकेटकीपर दिनेश बाना, तेज गेंदबाज रवि कुमार, गर्ग सांगवान के अलावा ऑलराउंडर सिद्धार्थ यादव और ऑफ स्पिनर मानव पारक मेगा ऑक्शन में शामिल नहीं हो पाए। नियमों में फंसकर ये खिलाड़ी अपने नाम ऑक्शन के लिए दे नहीं पाए, मगर जो नाम शामिल हुए जिन्होंने आईपीएल नीलामी में हिस्सा लिया उन्होंने धमाल मचा दिया, कमाल कर दिया। तो अंडर 19 के इन हीरोज पर आपका क्या कहना है? क्या इन्हें कुछ और बड़ी मोटी रकम मिल सकती थी या फिर इन्हें और बेहतर करके दिखाना होगा तभी आईपीएल में इन्हें मोटी रकम हासिल हो पाएगी? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।